स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री में अवस्थित उत्तम जायसवाल स्क्रैप गोदान के पीछे नशेड़ियों और चोरों द्वारा फेंके गए स्क्रैप से तांबा नहीं निकल पाया तो कचरे में आग लगा दी, जिसके बाद आग भयावह रूप ले लिया। लेकिन गनीमत रही कि जिस जगह पर आग लगी वहां बिजली सब स्टेशन भी है और कतारबद्ध कई गोदाम भी सटा हुआ है, जिसमे आग नहीं पकड़ सकी, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती थी। घटना के बारे में वहां के गोदाम के कर्मचारियों ने बताया कि उत्तम जायसवाल के गोदाम में कई तरह के स्क्रैप लाया जाता है, जिसमें बिजली के केबल भी है, जिससे तार निकालने के बाद रबर और प्लास्टिक को गोदाम के पीछे फेंक दिया जाता है, जिसमें कुछ अंश तांबा का तार रह जाने के कारण गोदाम के पीछे हरिजन बस्ती में चोर और नशेड़ियों द्वारा उसे चुनने आते हैं, जिसमें सफलता नहीं मिलने पर वे लोग नशे के हालत में आग लगा देते हैं। यह घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे रोकने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जाती है। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कभी कोई बड़ी अप्रिय घटना न घट जाए। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए 2 टाटा मोटर्स की दमकल, 3 झारखंड अग्निशमक और 1 टाटा स्टील की दमकल आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं स्थानीय पुलिस भी सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कोई लगाया? तो अक्सर ऐसा होते रहता है। हाँ, वो लोग चोरी करने आता है, लाग लगा देता तो हम लोग बुझाते हैं। आज नहीं बुझा पाए, ज्यादा लग गया। क्या चीज़ है गोदाम में? तांबा पीतल का काम करता है, तांबा पीतल का काम। वो लोग निकाल के या बाहर फेंक देता है, बिनने वाला आता है, रबर को बाहर फेंक, रबर को बाहर फेंक देता है। उसमें से वो लोग चोरी करने वाला लोग वो रबर को जला के निकाल के निकालता है। वो लोग पीछे बस्ती भी है। क्या बस्ती है? हरिजन बस्ती है। गोदाम क्या नाम से? उत्तम जायसवाल का गोदाम है। ये अक्सर इस तरह से होता है, कितना आप लोग असुरक्षित है इससे? असुरक्षित है, आग लगा देता है वो लोग, हरिजन लोग आके वो लोग प्रशासन फाउंड्री के पास, लाल बाबू फाउंड्री सर के कचरा का ढेर में आग लगी हुई है। तो हम लोग आए, तो हम लोग पूरा मशक्कत कर रहे हैं, पूरा बुझा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अभी तक तो बुझाइए रहे हैं। कितना बजे आग लगा? आग तो लगा के करीब। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।